राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इन सीटों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन सीटों में एक सीट ऐसी है जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ को ढाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आगामी 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में जनजाति विभाग की ओर से आदि गौरव समारोह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेगी। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होने के बाद बाप पार्टी का दबदबा 84 सहित प्रदेश के करीब 15 विधानसभा क्षेत्र में नजर आने लगा है। खास बात यह है कि 84 में बीजेपी के लिए चुनौती मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नहीं बल्कि बाप ही है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक के बाद इस साल के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाप पार्टी की मजबूती का भी अंदाजा हो जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यहां ज्यादा कुछ नहीं बचा, बावजूद इसके लिए कांग्रेस के बाप के साथ गठबंधन की बजाय अकेले लड़ने की बात कह रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा वोट शेयरिंग का आंकड़ा देखें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का वोट शेयर 38.22 से बढ़कर 57.30% हो गया, जबकि बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत 33.51 से घटकर 26.23% तक हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक 21.41 से गिरकर महज 3.64% तक सिमट गया है।